वो भी ऑयल वाली दुकान पे पहुंच गई। मैं मौजूद हूँ उसी जगह पे जहाँ पे पूरी बिल्डिंग में जो आग लगी थी, आप देख सकते हैं, मतलब पूरा तबाह बर्बाद हो गया सब कुछ। भाई आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे दिए पेट्रोल पंप। हाँ तो भैया लग गया, तो शुरू करते हैं जो ओड़ा में बनने दीदे हम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो मेरे भाई देखो, बहुत जो है ना सैड सीन हो चुका है। कल रात 10:30 बजे के टाइम हमारे इलाके में एक पेट्रोल पंप की यूनिट की वजह से पूरी बिल्डिंग जल चुकी है। मतलब बहुत ज़्यादा कल नुकसान हुआ है और जो है वो तकरीबन कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं, एक शख्स जो है वो झामाग हो गया, आई थिंक शहीद हुआ है। खैर तो अभी सीन ऐसा है कि हम वहाँ चलते हैं, ठीक है, मनाजिर देखते हैं क्या सूरत हाल हो चुकी है। अभी वहाँ की उस बिल्डिंग की दुकानें थी काफ़ी सारी और तकरीबन 9 बाइकें जो हैं उसकी जद में आके ख़त्म, और जो घर का सामान वगैरह सब कुछ जो है वो जल के राख हो चुका है। ठीक है भाई, तकरीबन कल 2 बजे तक तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था। कल हम वहाँ थे तो नहीं, लेकिन हमारे पास वीडियोज़ वगैरह हैं, वीडियोज़ भी दिखाते हैं आप लोग को। ठीक है भाई, अभी सीन ऐसे कि भाई अभी हम जा रहे हैं उसी के नाम है बिल्डिंग के पास। ठीक है, हम आपको पूरी बिल्डिंग दिखाते हैं कि भाई अभी क्या सूरत हाल हो चुकी है उस बिल्डिंग की, क्योंकि ये देखिए आपको पता है भाई सूरज वगैरह निकल चुका है, सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 10:30-11 बज रहे हैं। तकरीबन अभी सब कुछ साफ नजर आएगा, ए टू जेड चीज़ ना, तकरीबन 8-6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थी, 10-12 तकरीबन जो है ना भाई एम्बुलेंस थी। मतलब कल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सीन हुआ ये है कि अब देखते हैं वहाँ पे चलते हैं, आप लोग को और दिखाते हैं। जब तक आप लोग ये वीडियोस देखो, हम वहाँ पहुँचते हैं। पत्थरा पत्थरा पत्थर, वो देख ऑयल वाली दुकान पे पहुँच गई, ऑयल वाली दुकान पे पहुँच गई। भाई फोन करो बोलो, भाई इस टाइम मैं मौजूद हूँ उसी जगह पे जहाँ पे पूरी बिल्डिंग में जो आग लगी थी, आप देख सकते हैं, और पुलिस वगैरह पहुंची भी है, काफी सारी जो है वो न्यूज वाले पहुंचे हैं, मेरे बैग पे भी न्यूज वाला खड़ा हुआ है, वो देखने वाले की है। आगे चलते हैं, मैं आपको और दिखाता हूँ। ये देखें भाई, ये वो बिल्डिंग है जहाँ पे कल रात आग लगी है, और आप देख सकते हैं न्यूज वाले पहुंचे हैं, काफी पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे। ये वो पेट्रोल पंप था, ये आप देख रहे हो, ये
जिसकी वजह से यहाँ पे आग लगी है। ये देखें, और थोड़ा करीब आने के बाद जो है आप लोग देख सकते हैं क्या मतलब बिल्डिंग की हालत हो गई है। दुकानें वुकानें सब कुछ तबाह हो गई हैं। ये देखें, मैं थोड़ा और करीब से दिखाऊँ आप लोगों को, तो ये आप देख सकते हैं खुद से कि मतलब पूरा तबाह बर्बाद हो गया सब कुछ भाई। यहाँ पे ये दुकान थी एक आयल की, और वो पेट्रोल पम्प था, और उसके थोड़ा सा अगर मैं आगे हूँ तो वो चिप्स की दुकान थी, और यहाँ पे मतलब ये आयल वगैरह की शॉप्स थी। ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे थी ये पेट्रोल पम्प। ये देख सकते हैं मतलब पूरा सत्यानाश हो गया इस पेट्रोल पम्प का। ये बीच के नाम है गैस वगैरह के पाए बाइकें आप देख सकते हैं, लगातार सारी बाइकें जल गई हैं। हाँ भाई, क्या बोलते हो? आग लग गई थी रात को इधर, क्या बाइकें आप देख सकते हो, तमाम बाइकें जो है वो जल चुकी है। ये क्या गाड़ी खड़ी है, बाइक शो वाली होगी। क्या आप देख सकते हो, सारी बाइकें जो है वो जल चुकी है अंदर। ये थी क्या नाम है अपना, ये जो दुकान थी वो नाई की दुकान थी, और ये नाई की दुकान पूरी जल चुकी है, पूरी काली हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, ये दुकान थी भाई, ये आयल डीजल वगैरह की दुकान थी, यहाँ पे पंचर वगैरह की शॉप थी, ये पूरी जल के राख हो चुकी है। आप बिल्डिंग देख चुके हैं, पूरी खस्ता हाल हो चुकी है भाई, खतरनाक सीन हो चुका है। न्यूज वाले मीडिया वाले पहुंचे, हर जगह पहुंचे हुए। मेरे थोड़ा सा आगे जो है वो इंटरव्यू चल रहा है, उससे आगे थोड़ा इंटरव्यू चल रहा है, वो देखिए एक इंटरव्यू वहाँ चल रहा है, दूसरा इंटरव्यू भी दिखाते हैं हम आपको, दूसरा इंटरव्यू वो चल रहा है। वो प्राटक ऑनर बोल वाले पहुंचे हैं भाई यहाँ पे, और हमारा जो बंदा था वो भाग गया कहीं ना कहीं, वो नहीं पता मेरे को। नहीं, यहाँ से देखें आप पूरी बिल्डिंग, यहाँ की आप दुकान की देख सकते हैं, वो दो बाइकें खड़ी हैं जो पूरी तकदीर जल चुकी हैं। और यहाँ साइड से ये देख सकते हैं आप, यहाँ से जो है वो मीडिया वाले वहाँ पे भी खड़े हैं तकरीबन, और रश जो है यहाँ पे तकरीबन हो ही जा रहा है, क्योंकि जो जगह जो बंद है इस वजह से। और ये पूरी दुकानें तकरीबन एक दो तीन दुकानें वो पूरे घर से लेके पूरी बिल्डिंग जो है वो जल चुकी है, और तकरीबन तीन लोग जो है जख्मी है, तीन से चार, एक जो है वो मतलब शहीद हो चुका है अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक। और ये गैस की सब लगी हुई है, और अंदर जो है ये यहाँ पे रखा हुआ था पेट्रोल का, इसकी वजह से फिर वो आग लगी, और वो जो आग जो है वो पूरी जल चुकी है। आपने वीडियोज़ वगैरह में देख लिया होगा, न्यूज़ वगैरह हर जगह पहुँचे हुए हैं, हर जगह आप देख सकते हैं, न्यूज़ के एंकर मौजूद हैं। अब सवाल सिर्फ ये है कि भाई इसका मैदान पहुँचने किसकी वजह से हुआ है, क्यों हुआ, कैसे इतने जो है वो इजाज़त दी कि भाई आप यहाँ पे खड़े हो गए, पेट्रोल पंप लगाओ, ऐसा वैसा जो भी है माल बनता है, बाकी अल्लाह मालिक देखते क्या होता है। फिर घरों का सामान जो पूरा जल चुका है, देखो अंदर से आप चेक करो तो पूरा जो है एकदम खाक हो चुका है एकदम। देखो भाई, अभी तक तो हमारे पास सिर्फ दो वजूहत सामने आई हैं आग लगने की, वो एक ये कि किसी लड़के ने पेट्रोल डलवाया और वो सिगरेट का जो गुटखा होता है या माचिस थी वो फेंक दी, जिसकी वजह से आग लग गई। दूसरी ये है कि दुकान जो मतलब जो वहाँ के लोग बताते हैं वो ये कि क्या नाम है, सिलेंडर फटने की वजह से जो है वहाँ पे आग वगैरह लग गई। खैर देखो भाई, सही बात अभी तक किसी को नहीं पता, सही बात वही बताएगा जो वहाँ पे खैर खड़ा हुआ होगा। एक वीडियो और भी आपने देखी होगी कि क्या नाम है, हाइजू वाला खड़ा हुआ, नहीं सुजुकी वाला आई थिंक, तो उसके पीछे उस टाइम ही आग लगी है एकदम ना, और वो दुकान अपनी गाड़ी छोड़ के भागा है। सब कुछ कैसे हुआ है खैर अल्लाह ही बेहतर जानता है, बाकी देखते हैं। देखो यार, सीधी बात है, काफ़ी लोगों के नुकसान हुए हैं यहाँ पे, और अब ये लोग इंटरव्यू लेने पहुँचे हैं, कुछ भी लेने पहुँचे हैं, कोई घंटा किसी का फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क वहाँ पड़ेगा जब ये लोगों की मदद करें। ठीक है भाई, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो गाड़ी खड़ी हुई है, वहाँ खड़ी है, वहाँ खड़ी है, वहाँ खड़ी हुई, वो एक दो ये सामक ही खड़ी हुई है। मेन मकसद ये कि भाई आप अगर किसी मदद करते हो तो फायदा, वरना कोई फायदा नहीं है। बाकी तो ये कि भाई क्या नाम है, एहतियात करें। हमारी एक साइड और भी क्या नाम है पेट्रोल पम्प ऐसा खुला हुआ है, देखते हैं उसको क्या बनता है, लेकिन ये जैसे पेट्रोल पम्प कमर्शियल एरिया में खुला हुआ ये बहुत गलत है। अगर आपके भी एरिया में ऐसा है तो आप बंद करो, क्लियर बात है, ठंडा वड्डा हो जाएगा, वरना देखो हादसा कहीं पे आ सकता है, पता नहीं किसी की मौत है, लेकिन फिर भी आप एहतियात करें। बाकी इंशाल्लाह आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में मिलता है, अपना बहुत सारा किया ख्याल, और दुआ कीजिएगा, एक शहीद हो शहीदी के लेंगे हादसा भी मौत है, तो उनके दुआ कीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलता, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।